जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर। तो दोस्त ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, सामाजिक रूप से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों तथा शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों की परिस्थिति में सुधार के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए, इसको समझाइए। मतलब क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, लड़की है, या शहरी मलिन विस्त, शहरी मलिन यहाँ लिखा है, शहरी मलिन का मतलब क्या, बिल्कुल गांव देहात के, बिल्कुल मतलब कि जहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उसको बोला जाता है शहरी मलिन। तो शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों की परिस्थितियों में सुधार के लिए कौन से उपाय किए जाना चाहिए, यानी कि उनको सुधार के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो दोस्त इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, वंचित का मतलब पहले समझेंगे कि आखिर ये वंचित है क्या। तो वंचित शब्द का अर्थ बच्चों से है, यानी कि वंचित मतलब क्या, बच्चों में प्रॉब्लम। तो वंचित शब्द का अर्थ बच्चों से है जो समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़े तबके से आते हैं, जो एक तरह से या किसी अन्य से वंचित होने के कारण, आगे अगले पृष्ठ में हम दिखाते हैं क्या बोल रहा है। पहले इतना समझ जाइए कि वंचित का मतलब क्या हुआ, वंचित का मतलब हुआ बच्चा जो समुदाय के सामाजिक आर्थिक, यानी कि जो समाज में बहुत पिछड़े लोग होते हैं, बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं, तो वंचित का मतलब होता है कि बहुत बिछड़े हुए लोग, जो या तो एक तरह से पिछड़े हैं या तो अन्य चीज़ों से भी वंचित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों को बोला जा रहा था। अगला इसके आगे अगले पृष्ठ में कुछ इस तरीके से है, स्कूल से, अगला पृष्ठ कुछ इस तरीके से है, स्कूल से लाभ नहीं उठा सकते हैं। मतलब क्या कि वे लोग तो एक तरह से वंचित होते ही हैं या दूसरी तरफ से भी वंचित होते हैं, जो स्कूल से लाभ नहीं उठा सकते हैं, और वे बच्चे जो देश के आंतरिक आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। बिल्कुल सही, वंचित बच्चा इसको कहेंगे जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आता है, जहाँ पे उसका उसको कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, ठीक है, जहाँ शैक्षिक सुविधाएँ हैं। एक यहाँ पे साथियों मिस्टेक हो गया है, जहाँ शैक्षिक सुविधाएं नहीं है कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ पे नहीं छूट गया है। आप खुद सोचिए ना कि वंचित का मतलब क्या, कि उसको कुछ व्यवस्था वहाँ नहीं मिल रहा है। आप देख पाएंगे कि अगर किसी का तबीयत वगैरह भी खराब हो जाता है तो ग्रामीण आदिवासी लोगों को बहुत समस्या हो जाती है, अच्छे इलाज नहीं हो पाती है, क्योंकि सुविधाएँ नहीं मिल पाती है जल्दी। तो इसलिए यहाँ शैक्षिक सुविधाएँ नहीं है, ये लिखिएगा। अच्छा, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा सामाजिक रूप से वंचित है, तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो टोटल 7 विशेषताएं हैं। नंबर 1, गरीब शैक्षिक प्रदर्शन, यानी कि उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत ही गरीबी हालत में गुजरती है, बहुत ही गरीब होते हैं शिक्षा में, यानी कि उनमें एजुकेशन की कमी होती है। दूसरा, संज्ञानात्मक कमियां, संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और तीसरा, उदासीन और अनुत्तरदायी पहल, अनुत्तरदायी पहल का मतलब, उदासीन और अनुत्तरदायी पहल का मतलब क्या हुआ कि उनके लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं दिखता है, उनके पास ना तो सुविधाएं होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। और चौथा पॉइंट है निचली उपलब्धि, यानी कि वो सबसे निचले पैदान पे लोग रहते हैं। देखते हैं हम लोगों की जो अभी स्थिति है, तो बहुत सारे सरकार ने उसको क्या किया है, अलग अलग लेयर में बांट दिया है। जो ज़्यादा अमीर होते हैं उनको ऊपर लेवल, उसके मिडिल वाले को मिडिल में, और गरीब वाले को निचली उपलब्धि दी है, वही बात यहाँ बोला गया। और नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, वो है बेसिक इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब कि अपना बुद्धि, अपना
दिमाग, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपना माइंड यूज नहीं करते हैं, तो उनको बोला जाता है इंटेलिजेंस। तो बेसिक इंटेलिजेंस ये विशेषता पांचवा है। छठा विशेषता है सामाजिक रूप से वंचित, यानी कि उनको सामाजिक रूप से वंचित का मतलब उनको उस तरह से माहौल नहीं मिला है जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए। यानी कि देखते हैं गांव देहात के बच्चे क्या होते हैं, तो वो गांवों में रहते हैं, गांवों की भाषा सीखते हैं, गालियां देना सीख जाते हैं, तो ये सब समाज पे भी उनको निर्भर रहना चाहिए, उनके प्रभाव भी पड़ता है समाज का, तो इसलिए सामाजिक रूप से भी वंचित हो जाते हैं। और सातवां है बौद्धिक प्रदर्शन। बौद्धिक का मतलब उनका माइंड डेवलप नहीं है, जो कि हम पीछे समझा उसी का यहाँ लिखा है बौद्धिक प्रदर्शन। फिर आगे है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की पहचान निम्नलिखित है। अब रहा बात कि जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चा है उसका पहचान क्या क्या है, कैसे पहचान लेंगे कि वो सामाजिक रूप से वंचित है, तो पहचानने के लिए इसके भी छः बोल सकते हैं कि पहचान का तरीका है। तो छः तरीका कौन कौन सा है, तो पहला है सीखने में कम ध्यान अवधि, यानी कि उसको सीखने में मन नहीं लगेगा, सिखाइएगा यहाँ दिखाइए, उसको हाथ धरवाइएगा कि देखो बाबू यहाँ क है, तो वो देखेगा उधर, मतलब कि सीखने में एकदम कम ध्यान देगा। और दूसरा है गरीब भाषा सीखना। गरीब भाषा का मतलब गाली गलौज सीख लेना, बहुत गंदा गंदा वर्ड बोलना, तो ये बच्चा सब सीख लेता है। और तीसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता का अभाव, यानी कि उसके अंदर उस तरह का क्षमता नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है विश्लेषणात्मक क्षमता का अभाव। और चौथा है विफलता से बचने के उच्च भावना रखते हैं, यानी कि उनको ये पता चलता है विफलता से बचने के लिए उच्च भावना रखते हैं, मतलब क्या कि हमको कैसे ये सब पढ़ाई से बचना है, क्या करेंगे कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए देखते हैं छुट्टी होने से पहले बच्चा सब भागने के लिए रेडी हो जाता है, बोलिए बस तरह, तो इस तरीके से ये सब पहचानने का लक्षण है। पांचवा है संज्ञानात्मक विकास की कमी। बिल्कुल सही, उसके अंदर विकास का कोई ग्रोथ ही नहीं दिखेगा, विकास का बढ़ोतरी ही नहीं दिखेगा, हमेशा कमी दिखेगा। और छठा है समय पूर्व स्कूल छोड़ने की ललस का मतलब लालच, यानी कि उनको ये लगने लगता है कि समय से पहले, जैसे मान लिया जाए कि 2 बजे छुट्टी होना है, तो 1 बजे उनके अंदर जो है बेचैनी ले लेगा बच्चा के अंदर कि कब जाए घर, तो इस तरीके से इस सब लक्षण होगा, ये सब लक्षण से पहचान सकते हैं कि कौन बच्चा जो है सामाजिक रूप से वंचित है। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की परिस्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए, मतलब क्या कि अब हम उस पॉइंट को यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा सामाजिक रूप से वंचित हो गया है तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए भी निम्नलिखित उपाय दिया हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे। पहला उपाय है अनिवार्य प्रिय स्कूल। अनिवार्य प्रिय स्कूल का मतलब क्या, एक्चुअली प्ले स्कूल, यानी कि जो जब छोटा बच्चा हो 2-3 साल का हो उसी से उसको प्री स्कूल में डाल दीजिए, प्ले स्कूल में डाल दीजिए, ताकि वहाँ पे बच्चों को फिगर देख के खिला कूदा के उसको पढ़ाने के प्रति, पढ़ने का एक लालच दिया जाता है, तो उसको अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य बने बहुत ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा है अप्रत्यक्ष परिवारों के लिए प्रोत्साहन, यानी कि जो अप्रत्यक्ष परिवार हैं, अप्रत्यक्ष मतलब वैसा परिवार जो अपने बच्चों को प्री स्कूल में यानी कि प्ले स्कूल में नहीं पढ़ाने योग्य है, उनको भी प्रोत्साहित करना होगा, प्रोत्साहन देना होगा, ताकि वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से सामाजिक रूप से वंचित न होने दे अपने बच्चों को। तीसरा है विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति। बिल्कुल सही, अगर मान लिया जाए कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे विशेषज्ञ टीचर ही नहीं है, तब बच्चा के अंदर संज्ञानात्मक विकास कैसे हो पाएगा, तो इसलिए तीसरा बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी सामाजिक रूप से वंचित बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसको सुधरने के जो उपाय है उसके लिए विशेष टीचर्स की भी आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है नंबर 4, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 था, उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक के 3 हो गया था, नेक्स्ट पेज में 4 से है, ये नंबर 4 है, यहाँ पे ये नंबर 4 है, चौथा में लिखा हुआ है नंबर 4 वंचित बच्चों के लिए वित्तीय मदद, यानी कि जो बच्चा वंचित है सामाजिक रूप से उसको पैसा से भी उसको हेल्प करना के कर सकते हैं,
तो उसको सुधरने का एक कोई चांस बनेगा। यानी कि वित्तीय मदद का मतलब क्या होता है, पैसे से मदद, पैसे से मदद करके उसकी जो है बोल सकते हैं उसको बचाने के लिए, सुधार करने के लिए उपाय हो सकता है। और पांचवा जो है, ये नंबर 5 है, पांचवा जो है आवासीय विद्यालय की स्थापना, यानी कि वैसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें बच्चा उसमें रह भी सके, पढ़ भी सके, उसको हम लोग कहते हैं आवासीय। एक होता है दिवसीय, दिवसीय का मतलब क्या, आया बच्चा दिन में पढ़ा और घर पे चला गया, तो उसको हम लोग दिवसीय कहते हैं। तो ये आवासीय विद्यालय का स्थापना भी होने से बच्चों के अंदर बोल सकते हैं कि जो जो बच्चा सामाजिक रूप से वंचित है वो सुधर सकता है। और नेक्स्ट है छठा, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण की प्राप्त व्यवस्था करना, बिल्कुल सही, यानी कि उसके अंदर ज्ञान कैसे बढ़ेगा, कैसे कौशल का विकास होगा, तो इस सब के प्रति एक प्राप्त व्यवस्था करना। और नेक्स्ट है सातवां, भाषा परीक्षण और विश्लेषणात्मक शामिल करना, यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज का पुनर्जन्म करना जो बच्चा जो है शुरू से ही अपने आदतों में उसको ढाल ले। यानी कि जो बच्चा देखे देख रहे हैं शुरू से बोलता है थोड़ा सा हिंदी टाइप का कि मैंने खाना खा लिया, आपने खाया, तो ये एक शुरू से ही उसका तरीका बना रहेगा, एक हैबिचुअल एक्शन में शामिल हो जाएगा और उसको फिर हैबिट हो जाएगा इस तरीके से भाषा को प्रयोग करना। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था कि सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे होते हैं उनको सुधारने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, उसकी क्या पहचान है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्त वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किए। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियोज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।